मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी पॉइंट बाय पॉइंट कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अदानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं, ये लीजिए रूल की कॉपी जिसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है।